उपस्थित सभी पूज्य संत चरण, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास से के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्यगोपाल दास जी महाराज, न्यास के सभी न्यासीगण, पूज्य स्वामी गोविंद गिरिजी महाराज, पूज्य स्वामी युग पुरुष परमानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य स्वामी विश्वेश प्रपन्न तीर्थी जी महाराज, मंदिर निर्माण के विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष श्री नृपेंद्र मिश्र जी, न्यास के महासचिव सम्मान्य श्री चंपत राय जी, सम्मान्य दिनेश जी, उत्तर प्रदेश शासन में उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ था। मंदिर निर्माण कार्य विगत 2.5 वर्षों के दौरान जिस द्रुत गति से आगे बढ़ा है, आज उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी और जुड़ चुकी है। श्री राम जन्मभूमि में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के गर्भगृह की शिला पूजन का कार्यक्रम अभी पूज्य संतों की उपस्थिति में सभी न्यासियों, अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। 500 वर्षों की जो एक संघर्षपूर्ण साधना थी, और संघर्षपूर्ण साधना सिद्धि की ओर बदलती हुई एक साकार और मूर्त रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बढ़कर के गौरव की अनुभूति का क्षण और क्या हो सकता है कि जिन आक्रांताओं ने हमारी आस्था पर प्रहार करते हुए भारत के सपनों को चकनाचूर करने के कुत्सित मंशा के साथ अपने नापाक इरादों के माध्यम से भारत की आस्था पर प्रहार किया था, अंततः भारत की विजय हुई। सत्यमेव जयते के इस नारे ने एक बार फिर से धर्मो रक्षति रक्षितः के इस भाव ने एक बार फिर से यतो धर्मस्ततो जय
किस घोष ने एक बार फिर से अपनी सार्थकता को सिद्ध किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण, पूज्य संतों का संघर्ष, सदे अशोक सिंघल जी जैसे महापुरुषों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विचार परिवार से जुड़े हुए उन लाखों कार्यकर्ताओं का जो पुरुषार्थ था वह आज साकार रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और सचमुच आज का दिवस हम सबको अभिभूत करता है, एक नई प्रेरणा देता है कि हम सदैव धर्म, सत्य और न्याय के पथ का अनुसरण करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो हमें विजयी होने से कोई रोक नहीं सकता है। और आज का ये दिन इस बात का उद्घोष करते हुए हमें एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास से जुड़े हुए मैं अपने सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की उस मर्यादा के अनुरूप विगत दो वर्ष के अंदर बड़े धैर्य के साथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के इस कार्य को जिस तन्मयता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है, आज भव्य रूप भी अब आने वाले श्रद्धालुओं को देखने को प्राप्त होने लग गया है। जो भी श्रद्धालु अयोध्या धाम में आ रहा है वह अद्भुत होता है, अपनी आंखों के सामने मंदिर निर्माण के कार्य का यह भव्य रूप देख करके अपने आप को धन्य धन्य महसूस करता है। और जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया था, मैंने तब भी इस बात को कहा था कि हमारी पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है कि 500 वर्षों के इस लंबे संघर्ष में हम लोगों की पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है कि हम लोग अपनी आंखों के सामने इन सब कार्यक्रमों के साक्षी बन रहे हैं। और सचमुच प्रभु राम की और हनुमान जी महाराज की हम पर एक विशेष कृपा है कि हम सबको ये सभी अपनी स्थूल दृश्य देखने को प्राप्त हो रहा है। उन सभी पूज्य संतों के प्रति श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए चले लंबे संघर्ष के लिए जिन महापुरुषों ने अपने आप को बलिदान किया था, उन सबको मैं इस अवसर पर नमन करता हूं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अयोध्या में बहुत शीघ्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का जो रूप होगा, ये नए भारत का एक राष्ट्र मंदिर तो होगा ही, एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अभियान को पूरे देश को एकात्मता के सूत्र में बांधने का एक बहुत बड़ा संबल भी होगा। मैं आज के इस अवसर पर इस पूरे कार्यक्रम के प्रति हृदय से बधाई देता हूं, न्यास के सभी पदाधिकारियों को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, पूज्य संतों के सानिध्य में सभी कार्यक्रम हो रहा है उन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। और विश्वास व्यक्त करूंगा कि पूज्य संतों ने संघर्ष भी किया, लेकिन जब मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की बात आई तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादा के अनुरूप धैर्य से इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपने आप को इस पूरे अभियान के साथ जोड़ करके पूरे समर्पण भाव के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे। मैं एक बार फिर से यहां पर आयोजक मंदिर निर्माण के न्यास से के महासचिव
सम्मान्य श्री चंपत राय जी का, मंदिर निर्माण के अध्यक्ष श्री नृपेंद्र मिश्र जी का, सभी पूज्य संतों का, ट्रस्टियों का हृदय से एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अयोध्या को हमें दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करना है और उस संकल्प के साथ हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा, क्योंकि मंदिर निर्माण कार्य के पहले हमारा कार्य संघर्ष का था, आंदोलन का था, लेकिन अब आंदोलन के बाद हमें निर्माण के इस कार्य के साथ इसी प्राणपण से जुटना होगा। भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण के साथ साथ अयोध्या भी भव्य और दिव्य हो, यही प्रधानमंत्री जी की मंशा है और इसी संकल्प के साथ जोड़ने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मंदिर निर्माण के इस कार्य को समयबद्ध ढंग से न्यास आगे बढ़ाएगा, इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।